वकील साहब से नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराना है, कराते हैं अटेस्ट, तो वो अपना डॉक्यूमेंट देते हैं, वकील साहब देखते हैं, पढ़ पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उसको सिक्का मारेंगे, साइन है, ठप्पा मारेंगे और साइन कर देंगे, मतलब अटेस्टेड, ठीक है, बस अब तो ये सिक्का लगाना है, ठप्पा मारना और साइन करना। तो कैसे करेंगे, सूत्र कह रहा है हेतु अपदेशा, पहले हेतु को बोलेंगे, उसके बाद प्रतिज्ञा या पुनर्वचन, फिर प्रतिज्ञा को दोहरा दीजिए, बस पिछली बातों को दोहराना और कुछ नहीं करना, पहले हेतु को दोहराओ फिर प्रतिज्ञा को दोहराओ, इसका नाम निगमन है, ठीक है। तो हेतु क्या था, शब्द उत्पत्ति वाला होने से, हेतु क्या था और प्रतिज्ञा क्या थी, शब्द अनित्य, बस दोनों बातें दोहरा देनी और कुछ नहीं करना। उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य है, ये ठप्पा लग गया, पक्की हो गई बात, अब किसी में ताकत नहीं इसका खंडन कर दे, ठप्पा लगा दिया किसी में ताकत नहीं तो इसका विरोध सिद्ध कर दे, ये है पंचावय, बात सिद्ध होगी, उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य है, बोलिए समझ में आया, अब याद करेंगे दोबारा बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, प्रतिज्ञा शब्द अनित्य है, उत्पत्ति वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वह अनित्य होती है, जैसे मकान, जैसा मकान उत्पत्ति वाला है वैसा ही शब्द भी उत्पत्ति वाला है, तो उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य है, पंचगम पूरे हो गए, ये हो गए साधर्म से, अब वैधर्म से, दो तरह से होते हैं ना, अब वैधर्म से बोलेंगे, शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह वह अनित्य भी नहीं होती, जैसे ईश्वर, तो जैसा ईश्वर है वैसा शब्द नहीं है, ठीक है, इसलिए उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य हो गई सिद्धि, ये है पंचम, इस तरह से बात सिद्ध की जाती है, तो ये कोर्ट में सारा दिन ये बहस चलती है, वैसे सिद्ध करते हैं, ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, क्यों ऐसी है, उसका हेतु दो, उसका उदाहरण दो, उसको सिद्ध करो, उसका प्रमाण दो, या तो पहले वाले चार प्रमाण दो या फिर पंचमय रखो, तब जाके कोई बात सिद्ध होती है। तो एक पक्ष ने अपने पंचमय प्रस्तुत कर दिए, शब्द अनित्य है, अब दूसरे पक्ष वाला है, उसका पक्ष क्या है, शब्द अनित्य है, मेरी बुद्धि में तो वही था शब्द नित्य, ये जो उत्पन्न हुआ है आकाश जैसे उत्पन्न हुआ है ये तो नष्ट हो जाएगा, ये उत्पन्न जो दबने वाला है, चर्चा तो इसी पर है, चर्चा तो इसी पे, ठीक है ना, पर फिर भी कई लोग होते हैं अपना अपना विचार रखते हैं, हर व्यक्ति विचार करने में स्वतंत्र है, हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक के संस्कार अलग है, इसलिए तो यहाँ संप्रदाय खड़े हो गए, धरण सैकड़ों हजारों खड़े हो गए, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, अपने अपने विचार है, विचार होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो सत्य होना चाहिए, विचार तो कोई भी उत्पन्न हो सकता है पर वो ठीक होना चाहिए, अब दोनों व्यक्ति कहते हैं मेरी बात ठीक है, वो कहता है मेरी बात ठीक है, आओ फिर मैदान में देखते हैं किसकी ठीक है, फिर मैदान में आओ, तो एक ने अपने पंचमय रख दिए, शब्द अनित्य है, तो दूसरा भी आएगा खड़े में, वो कहेगा मेरा पक्ष है शब्द नित्य है, हाँ जी दूसरे का पक्ष क्या है, शब्द नित्य, उसको भी पंचमय रखने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। और इस सारी चर्चा में आगे चलकर अभी एक और सूत्र आएगा जिसमें वाद, वाद की परिभाषा आएगी 16 पदार्थों में, तो उसमें बातचीत के पूरे नियम उसमें बताए जाएंगे, तो उसमें यह भी बताया जाएगा कि आपको अपने पक्ष की तो सिद्धि करनी है और दूसरे का खंडन भी करना है, हाँ क्या करना है, खंडन भी करना है, तब बात बनेगी,
अगर खंडन नहीं किया तो बात अधूरी है आपकी, बात नहीं बनेगी। और यहाँ लोग कहते साहब खंडन मत करो, अरे मोर को तुम बताई नहीं बात कैसे की जाती है, बात करनी आती थी और हमको सिखा रहे कि खंडन मत करो। शास्त्र में लिखा है खंडन करोगे तभी तो बात कटेगी उसकी, जब तक खंडन नहीं करोगे कटेगी, जब तक उसकी कटेगी तब तक उसकी ताकत कम नहीं होगी। तो हमारी बात कब मजेदार बनेगी, भगवान कब बनेगी, जब हम अपनी बात की सिद्धि करें और दूसरे का खंडन भी करें। इसलिए खंडन करना धर्म का लक्षण, ये धर्म है, वेद में लिखा है खंडन का, तब तरीके से करो, ढंग से करो, खंडन तो करना चाहिए ढंग से करना चाहिए। जब कोई रोगी दीर्घ रोगी हो जाता है, मतलब उसको बड़ा रोग हो जाता है, तो डॉक्टर उसके पेट का खंडन करता है कि नहीं, कैंची चलाता है कि नहीं, अब वो कैंची नहीं चलाएगा तो रोगी ठीक कैसे होगा, खंडन करना तो ठीक है, खंडन करना उचित है। और कैसे खंडन करना चाहिए, डॉक्टर जब पेट का खंडन करता है, कैंची लगाता है, पहले उसको बेहोश करता है, रोगी होश में बैठा कर उसको कैंची मारता है तो रोगी चलाएगा ना, फिर खंडन ठीक नहीं, फिर वो हानिकारक है। पहले रोगी को बेहोश करो, फिर खंडन करो, फिर कैंची चलाओ। तो आप जिस संप्रदाय वाले को ठीक करना चाहते हैं उसका खंडन करो, पर पहले उसको बेहोश करो। आप गड़बड़ नहीं करते, वो बैठा होश पे और आप कैंची मारते पेट में, फिर वो चिल्लाता है कि है ये क्या बोल रहे, इसलिए लोग भाग जाते हैं। बेहोश कैसे करें, पहले बेहोश करो, हाँ बताता हूँ दूसरे बेहोश कैसे करें। तो बेहोश ऐसे होता है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आप में से किसी ने कराया ऑपरेशन, कराया ना, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले आपसे कागज पे साइन करवाता है, साइन कराता है, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आप मेरे भले के लिए ऑपरेशन करेंगे, और अगर ऑपरेशन फेल हो गए तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, मतलब आप डॉक्टर से प्रभावित हो चुके हैं, आप बेहोश हो चुके हैं, आपने उसको स्वीकार कर लिया, डॉक्टर बढ़िया है कि मेरे भले के लिए पेट काटेगा और मर भी गया तो कोई चिंता नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, जो होगा सो देखी जाएगी, इसने अपना काम अच्छी तरह से किया। तो बेहोश करने का अर्थ है पहले उसको अपनी योग्यता से प्रभावित करें। डॉक्टर तब पेट को हाथ लगाता है जब रोगी पहले साइन करता है, वो स्वीकार करता है कि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, और एक उसका फिटनेस भी होता है, विटनेस को भी साइन करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर हाथ लगाता है, जब तक आप साइन नहीं करोगे ऑपरेशन थिएटर में घुसे ही नहीं, समझ में आया। ये तो है कागजी कार्रवाई कानूनी, कि कल को डॉक्टर पे केस ना हो जाए वो अपने बचाव के लिए, और उसके बाद फिर डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है, इंजेक्शन लगाता है उसको बेहोश कर देगा, तब उसका पेट काटता है, उससे पहले नहीं काटता। तो हम जब बातचीत करते हैं किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो अपने घर का हो, अपने वैदिक धर्म का हो, चाहे बाहर का हो, कोई भी हो, पहले उसको बेहोश करो। बेहोश कैसे करना, उसको अपने गुणों से, अपनी योग्यता से पहले प्रभावित करो। जब वो आप पर भरोसा करे कि हाँ ये राजेंद्र जी बढ़िया आदमी है, ये मेरे फायदे की बात कहेगा, झगड़ा नहीं करेगा, मेरी टांग नहीं खींचेगा, मुझे नुकसान नहीं करेगा, मेरे भले के लिए कहेगा, जब इतना उसको भरोसा हो जाए तब खंडन शुरू करो। ये इसका अर्थ है आपने उसको बेहोश कर दिया, अपने योग्यता से उसको प्रभावित कर लिया, और जब उसको विश्वास हो गया कि ये मेरे फायदे की कहेगा, नुकसान की नहीं कहेगा, तब फिर खंडन शुरू करना चाहिए। तब तक खंडन मत करो जब तक उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, नहीं तो वो दुश्मन बन जाएगा, ये तो हमारी टांग खींचता है, ये तो बेकार आदमी है, तो हम तो इससे बात नहीं करेंगे। तो ये गलती होती है प्रचार वालों में, ये गलती होती है, वो बेहोश नहीं करते और सीधे ही पेट फाटना शुरू करते हैं, भाग जाते हैं। हाँ, अपने पक्ष की स्थापना करो, पहले प्रेम से करो, पॉजिटिव करो, और जब देखो कि माहौल अच्छा है, ये बात सुनेगा और बुरा नहीं मानेगा और हमारी योग्यता से प्रभावित है, पहले खंडन किया, बाद में खंडन किया, पहले खंडन करो बाद में खंडन करो, खंडन ज्यादा करो, खंडन थोड़ा करो, है ना। मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं और कड़वा तो कभी कभार खाते हैं,
खंडन होता है तो कड़वा लगता है, मीठा थोड़ी लगता है। खंडन तो कड़वा लगता है ना, तो करेला खाते हैं सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक बार, और बाकी दाल सब्जी रोटी खीर पूरी रोज खाते हैं, तो खंडन जो है वो कड़वा लगता है। इसलिए वो डोज कड़वे की कम होनी चाहिए, कभी कभी होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए, मीठी भाषा में होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए, ऐसी टोन में होनी चाहिए कि उसको लगे कि हाँ मेरे फायदे के लिए गया है। जैसे डॉक्टर कभी कभी कड़वी पुनीन की गोली खिलाता है तो रोगी को पता है ये मेरे फायदे के लिए, तो खा लेता है, और जिसको समझ में नहीं आती वो नहीं खाता, तो उसका बुखार नहीं उतरता, तो रोगी परेशान होता है। तो इस तरह से खंडन भी करना चाहिए, मंडन भी करना चाहिए। मंडन अधिक होना चाहिए, खंडन कम होना चाहिए। खंडन में दूसरे की अविद्या दूर करने का उद्देश्य होना चाहिए, दूसरे को दुख देने का नहीं, अपमानित करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नहीं दूसरे को छोटा दिखाना, अपने को बड़ा दिखाना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सत्य का प्रचार करना, झूठ का विनाश करना, ये उद्देश्य होना चाहिए, और प्रेम से होना चाहिए। इस तरह से खंडन कर सकते हैं। हाँ जी स्वामी जी, आपका होया किसी से खूब आपस में चर्चाएं बहुत हुई, ट्रेन में हुई, बस में हुई, घर में हुई, जगह जगह पर हुई, खूब चर्चाएं हुई। फिर हमने कर करके देख लिया ये लोग मानते नहीं, अड़िया नहीं, सुनते नहीं, बात करना इनको आता नहीं, न्याय दर्शन इन्होंने पढ़ा नहीं, पंचवे उनको पता नहीं, प्रमाण तर्क को ये समझते नहीं, इसलिए छोड़ दिया। और मेरे क्यों टाइम खराब करें, जब उनको बोलना ही नहीं आता तो बात क्या करें। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से डिस्कस करेगा, संगीतकार से नहीं करता। अगर डॉक्टरी के मामले में चर्चा करनी हो तो डॉक्टर किससे बात करेगा, डॉक्टर से बात करेगा, उसकी बात को समझे भी सही, और वो संगीत वाला वो डॉक्टर की क्या समझेगा। इसलिए डॉक्टर संगीतकार से बात नहीं करता, वो डॉक्टर डॉक्टर से बात करता है, और वो भी तब करता है जब सामने वाला ईमानदार हो तो बात करता है, और फालतू अड़ियल हो तो क्या बात करना। तो हमें सारे अड़ियल लोग मिलते हैं, ईमानदार कम मिलते हैं, जितने मिलते हैं ईमानदार उनको हम बढ़ा देते हैं, और जो झगड़ा लोग होते हैं उनको नमस्ते कर लेते हैं, भाई तुम अपने घर जाओ, किसी और से झगड़ा करो, हमसे झगड़ा मत करो, हमको झगड़ा नहीं करना, आपको पढ़ना सीखना हो तो स्वागत है, एक नहीं 50 सवाल पूछो हम जवाब देंगे, और झगड़ा करना हो तो नमस्ते जाओ अपने घर, किसी और से झगड़ लो, बहुत बैठे हैं झगड़ने वाले। जी बोलिए बोलिए। ठीक है, और मेरे को एक बच्चा ने काट दिया। ठीक है, उसका स्वभाव ने काट दिया। ठीक है, आपने बताया सजा देगा तो मार। ठीक है, मैं उसको मारूं तो क्या मुझे दोष लगेगा नहीं लगेगा, या मुझे मारना है तो या नहीं मारना, क्या आपकी सजा मुझे मिलेगी। पहले तो वो मच्छर को वार्निंग देनी चाहिए, क्या भाई जाए यहाँ से, क्यों मरने आया, जाए यहाँ से। काट लिया ना, तो अब काट लिया, खुली हुई नींद खुल गई, तो सीधा मारने से पहले उसको एक बार हटाना चाहिए, उड़ा देना चाहिए, तू जा क्यों मरने आया, जा। नहीं मिला, फिर दोबारा आ गया, फिर काट खाया, ठीक है, आपको फिर दोबारा खुद ली, फिर आपने खुजा लिया, फिर देखा भाग गया मच्छर, देखता नहीं, फिर वो काट के फिर भाग गया, तो आप फिर सो गए थोड़ी देर में, फिर आ गया तीसरी बार, फिर काटने लगा, तो अब तो आप नींद गए थे, आपने ऐसे हाथ मार दिया, तो मर गया बेचारा। काट के दूसरा गया, मार दूसरा दिया, वो हाँ वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। चलो उस केस को बाद में ले, पहले ये केस ले लेते हैं कि एक ही मच्छर आ रहा था, एक ही था, बता रहे एक ही था, दूसरा था ही नहीं, तो मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। एक बार काट गया, दो बार काट गया, हमने सहन कर लिया, अब फिर हमने ढूंढा कहाँ है वो, तो मिला नहीं, तीसरी बार आके फिर काट लिया, तो हम तो आधी तो नींद में ही थे, तो नींद में थे ऐसे खुली थी, ऐसे हमने उड़ा दिया, तो मर गया बेचारा, तो इसमें पाप नहीं लगेगा। आपने अपनी रक्षा के लिए हाथ चलाया, उससे द्वेष पूर्वक नहीं चलाया, उसको हटाने के लिए पहले तो कोशिश भी की कि भाई इसको हटा दो, क्यों खाम खा मरने आया, अब वो माने ही नहीं, बार बार आके काटे, तो काटना मुझे मिल जाता तो मुझे मारता, मारते ना, तो मैं ये कह रहा हूँ मारने से पहले वार्निंग देनी चाहिए। जब कोई चोर पकड़ा जाता है ना तो पुलिस वाले पहले वार्निंग देते हैं, भाई तुमने चोरी की है, अगली बार करोगे तो फिर जेल में डालेंगे, कोई 200-400 रुपये की चोरी कर ले तो पुलिस वाले उसको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं,
तो नियम ये कहता है कि सीधा मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। एक व्यक्ति ने 400 रुपए की चोरी की, आपने सीधे ही फांसी में लटका दिया, ये तो गलत है ना। पहले उसको वार्निंग देनी चाहिए। ऐसे ही मच्छर काटता है तो पहले वार्निंग दो, जा भाई यहाँ से भाग, वो नहीं भागता, फिर आता है, दूसरी वार्निंग दो, भाग गया खाम खा पिटेगा मर जाएगा, भाग नहीं यहाँ से, दो बार उसको वार्निंग दो और फिर नहीं मानता, फिर आगे काटता है, अब उसको दंड दे सकते हैं बिना द्वेष के। दंड के रूप में हमने उसको ऐसे हाथ से मारा, अब मर गया क्या करे बेचारा, एक कमजोर सा ऐसे आ जाता ही मर जाता है, अब तो दोष नहीं होगा, ठीक है ना। तो दंड में जब हम आतंकवादी मनुष्य को मार सकते हैं, आतंकवादी मनुष्य को अगर बॉर्डर से खड़ा सैनिक उड़ा दे गोली से, तो उस सैनिक को पाप लगेगा या पुण्य मिलेगा? पुण्य मिलेगा, उसको पाप नहीं लगेगा। जब मनुष्य को मार सकते हैं आतंकवादी को, तो मच्छर भी तो आतंकवादी है, वो भी तो तंग कर रहा है, जो तंग करता है वो आतंकवादी है, ठीक है ना। जो तंग करता है, परेशान करता है, वो आतंकवादी है। आतंक के लेवल ऊंचे नीचे है, है? हाँ, वो आपको अधिकार हो तो कर सकते हैं, अधिकार का भी ध्यान रखना है, सबको अधिकार नहीं है दंड देने का। बोलिए, वर्तमान में कितने मतपंथ संप्रदाय हैं धरती पे, देश में, विश्व में, करीब गिने तो नहीं हमने, रफली आइडिया है कि 2000 से कम नहीं होंगे, करीब करीब 2000 के आसपास होंगे, ज्यादा भले ही होंगे, कम तो नहीं होंगे, ठीक है ना। ये जैन बौद्ध इस्लाम के कबीर पंथी घराने पंथी सारी गिनती करो, 2000 से ऊपर ही हो, और इनको ठीक करने की जिम्मेदारी राजा की है, राजा की जिम्मेदारी, उसके पास पूरा अधिकार, वो जो चाहे सो रखेगा, जो चाहे भगा देगा, है सारी राजा की गड़बड़ है। राजा हर चीज का लाइसेंस देता है, आप कार खरीदो ड्राइविंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा, दुकान चलाओ उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर चीज का लाइसेंस मिलता है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको कुछ प्रचार करना है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, राजा आपको परमिशन देगा कि आप मेरे राज्य में ये चीज का प्रचार कर सकते हैं, तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, वो मना कर देगा, आपको ये नहीं सिखाना है, ये लेसन ठीक नहीं है, तो आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे दुबई में आप खुलेआम सड़क पे वेद का प्रवचन नहीं कर सकते, वहाँ की सरकार का आदेश है कि आप ये नहीं कर सकते, खुलेआम नहीं कर सकते, अपने घर में भले ही दो लोग बात कर लो कोई बात नहीं, और सड़क पे आप टेंट लगा के जलसा नहीं कर सकते, वो मना है। तो इस तरह से जो राजा है उसको सारा अधिकार है, सर्वाधिकार उसके पास, इसलिए उसका राजा का दूसरा नाम है सर्वकार। क्या नाम? सर्वकार। वही सर्वकार बिगड़ के बन गया सरकार। ये जो सरकार बोलते हैं ना, ये वास्तव में मूल रूप से संस्कृत का शब्द था सर्वकार, जो सारे काम कर सकती है, जिसके पास पूरे अधिकार है, वो है सर्वकार। और वो सर्व बिगड़ के सर्व रह गया, वो गायब हो गया, बच गया सरकार, ठीक है। हाँ माता जी बोलिए, धैर्य धैर्य, माता जी प्रश्न पूछ रही। कहाँ पर? दुबई। हाँ, दुबई में इस्लाम का प्रचार कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, वहाँ पे राजा का कानून है, ठीक है, कानून गलत है, वो कानून ठीक है गलत है वो अलग विषय। में तो ये कह रहा था सरकार को अधिकार है, वो जो चाहेगी सो चलाएगी, अब हमारे वैदिक धर्म के हिसाब से वो गलत है, उनके हिसाब से वो ठीक है, वो कहते हैं हमारा देश है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी चलाएं, आप अपना देश बना लो और अपना चलाते रहो, कौन रोकता है, आप अपना देश बनाते नहीं। टाइम हो गया, चलिए ओम का उच्चारण करें, ओम।